हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, वीडियो चालू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन जो घंटी बनी होती है उसको दबाएँ, जिससे जो भी जानकारी हम डालें उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको वीडियो का जानकारी का पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, आज हमारे सामने आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक पोल्ट्री फीड ग्राइंडर मशीन है। जो हमारी पोल्ट्री फीड मशीन है उसको हमने मैनुअल से ऑटोमेटिक किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ में पोल्ट्री फीड मशीन के विषय में भी बात करेंगे, जो न्यू अपडेट मॉडल है पोल्ट्री फीड मशीन का। लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूँ। साथियों, हमारे पास में जबलपुर मध्य प्रदेश से सिहोरा डिस्ट्रिक्ट से सर आए हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अपना नाम बताइए, थोड़े से पास में आ जाइए, आप पास में आ जाइए। मेरा नाम अमर चक्रवर्ती है। थोड़ा सा तेज बोलिए। मेरा नाम अमर चक्रवर्ती है। कहाँ से है सर? सिहोरा से। अच्छा अच्छा, कैसे आए आप हमारे पास में, क्या सोचा? सर, मैं आपका वीडियो देखा था सर। जी सर, वो देख के मेरे को अच्छा लगा सर, तो मैं कह रहा ठीक है सर से मुलाकात भी हो जाएगी, अपन मशीन भी ले आएंगे। चलिए, मिल के कैसा लगा सर? सर बहुत अच्छा। चलो, सही बता रहा हूँ वैसे सर, एक नंबर लगा। मशीन कैसी लगी सर? सर मशीन भी एक नंबर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, धन्यवाद। साथियों, जैसा कि अभी हम लोग गाड़ी में बात कर रहे थे, सर से मेरी बात हो रही थी प्रजापति जी से, कि बिजनेस कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, ठीक है। पोल्ट्री के बिजनेस के विषय में बात कर रहे थे हम लोग सर, नया बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे थे। सर बोल रहे थे यार, मैं कब मुर्गा बेचूंगा, कितने दिन में बेचूंगा, कैसा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो मैं सर को ये बता रहा था, जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं, कि बिजनेस कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा या बुरा होता है आपका मैनेजमेंट, आपका काम करने का तरीका, ठीक है। आपको मैं जैसे हर वीडियो में उदाहरण देता हूँ कि चाहे आप कपड़े की दुकान लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर लीजिए, चाहे हार्डवेयर की दुकान लीजिए, चाहे आप चाय की होटल ही क्यों ना ले लीजिए, किसी आदमी की तो बहुत अच्छी चलती है और कोई आदमी मक्खी मारता रहता है। तो बिजनेस अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा या बुरा होता है हमारा मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए कि चाय की दुकान बेकार होती है, तो जो व्यक्ति के पास नंबर लग रहा है उसकी दुकान भी नहीं चलती। पोल्ट्री का बिजनेस ले लीजिए, बहुत सारे लोगों ने 500 पोल्ट्री से स्टार्ट किया है और आज लाखों की फार्मिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने फार्म खोला और बंद होगा, उसका कारण क्या है? पोल्ट्री बेकार है क्या? नहीं, आपका मैनेजमेंट अच्छा या बुरा हो सकता है। तो अपना मैनेजमेंट सुधारिए दोस्तों, बिजनेस कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। अब देखिए, हमारे सामने ये पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन है दोस्तों, और इसको हमने ये मैनुअल से ऑटोमेटिक किया है। सर लेके आइए पास में। ये हमने एक इसमें मिक्सर ऐड किया है, आप देख सकते हैं, इधर भी दिखाइए, ऊपर भी सर। ये मिक्सर ऐड किया है और साथ में इधर लेके आइए, ये कन्वेयर ऐड किया है दोस्तों। ये यहाँ से माल, सर यहाँ से माल डालना है, एक टैंक बनेगा अपना, उस टैंक में हमें माल डालना है। यहाँ से 3x3 का या 3x4 का टैंक बना उसमें हम माल डालेंगे और वो उठा के ले जाएगा ये कन्वेयर, ये ग्राइंडर मशीन को देगा। ग्राइंडर मशीन वही है दोस्तों हमारी, आप अपनी पहले वाली मशीन को भी इसमें लगा सकते हैं। और इसमें ये हमने गेयरबॉक्स दिया है नीचे, ठीक है। और एक अच्छी बात ये है कि एक ही मोटर से हमने ऑपरेट किया इसको, एक ही मोटर से आपका ग्राइंडर और मिक्सर दोनों एक ही मोटर से चलेगा। कन्वेयर के लिए हमने एक वो लगाया है, एक मोटर 3 HP सिंगल फेस का दिया है, ये जीना दिया है। तो साथियों, ये जो हमारी मशीन है, ये पोल्ट्री फीड मशीन अगर आप पहले भी ले चुके हैं मान लो कभी भी, तो आप उसको कभी भी 1 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद अगर आपको लगता है कि हमें यार ऑटोमेटिक प्लांट की ज़रूरत है, तो आपको अलग से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी मशीन को हम पूरा ऑटोमेटिक कर सकते हैं, और जब तक आपको ऑटोमेटिक नहीं करना है तो आप मैनुअल अपना काम कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा काम है, ज़रूरत है, तो आपको ऑटोमेटिक करने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ उठाने की सुविधा है, उठा के देता है। बाकी जो ग्राइंडर मशीन है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसमें कटिंग और मिक्सिंग दोनों होती है, इसमें मिक्सर की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों की रिक्वायरमेंट आती है कि इसमें मिक्सर भी ऐड करो सर, तो हमने मिक्सर भी ऐड किया और कन्वेयर भी ऐड किया।
तो कुल मिला के अब आपको 5-5 लाख रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम कीमत में 1.5 से 2 लाख रुपये में अपनी मशीन को, अगर आपके पास पहले से मशीन है तो उसी मशीन को आप अपडेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक बना सकते हो, और अगर आप मशीन नहीं है तो आप यही मशीन लेके आप उसको मैनुअल से ऑटोमेटिक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।